बात बोलेगी कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कहानी बेतिया राज और उससे कांग्रेस की लड़ाई की सुनाएंगे। ये प्रसंग काफ़ी छोटा है, लेकिन ये बताता है कि आंदोलन की ताकत क्या थी और तब आंदोलन किस तरह से चल रहा था और उसमें कितनी ऊर्जा थी। बेतिया राज बहुत ही सिस्टमेटिक, छोटा ही राज था मुगल का समय का, लेकिन बहुत ही सिस्टमेटिक था। जो दक्षिण काली, दक्षिण की पूजा पद्धति है, दक्षिण काली की महामार्गी, उसका सेंटर था कलकत्ता के बाद सबसे बड़ा। बेतिया राज म्यूज़िक का बहुत बड़ा सेंटर था, ध्रुपद के चारों बानियाँ एक साथ गाई जाती थीं और महाराज आनंद मोहन सिंह के बारे में माना जाता है कि उनकी अपनी रचनाएं संगीत की काफ़ी सारी हैं। उसी दरबार से सदारंग अदारंग मुगल दरबार में आते थे जो ध्रुपद के नामी गायक थे, तानसेन के बाद के दौर के ये लोग हैं। तो बेतिया में बहुत सुंदर मंदिर बने हुए हैं, बहुत सुंदर तालाब बने हुए हैं, लेकिन बेतिया उससे भी ज़्यादा व्यापार का केंद्र एक ज़माने में काफ़ी बड़ा बन गया था और ये राजा की कोशिशों से हुआ। राजा ने राजस्थान से और सिंध से काफ़ी मारवाड़ी और दूसरे व्यवसायियों को बुलाया। सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने की थी कि वहाँ एक मीना बाज़ार बनाया। मीना बाज़ार आज के तारीख में किसी भी मॉल से मुल्क, मुझे लगता है मुल्क में उससे बड़ा मॉल अभी कोई नहीं होगा। उस छोटे शहर में उन्होंने मॉल बनाया और वो मॉल ऐसा था कि दोनों तरफ शेड में दुकानें थीं और चारों ओर चौकोन बना हुआ, फिर बीच की खुली जगह में सब्जी, फल, मांस, मछली, लकड़ी और अंदर कपड़ा लत्ता से ले के ठठेरा, लोहार, बढ़ई, हर किस्म की चीज़ें वहाँ अंदर, दर्जी, नाई, हर धंधे के लोग थे। और ये कहा जाता था कि नाव से ले कर सुई तक हर ज़रूरत एक बाज़ार में वहाँ पूरी हो जाती थी। बड़ा खूबसूरत देखने में भी था, एक ही जगह सारा कुछ बाज़ार की व्यवस्था थी। ज़्यादातर चीज़ें शेड के अंदर थी तो शेड में ही सारा सामान रखना, वहीं ग्राहकों को बैठाना, वहीं सामान दिखाना। तो आप एक दफ़े बाज़ार में घुसिए और सारा कुछ जो भी ख़रीदना है ख़रीद के लेके आ जाइए। तो ये राज चलता रहा। राज को अंग्रेज़ों ने कई तरह के षड्यंत्र से हड़पा था, तो बाद में राज राज नहीं रहा, असल में वो अंग्रेज़ी हुकूमत की कमाई का सेंटर बन गया। कांग्रेसी आंदोलन राज को अखरता रहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो अखरता ही था, तो ये बाद तक ये अदावत चलती रही। बेतिया राज में, राज स्कूल में एक शिक्षक थे हरबंस सहाय, उन्होंने ही वहाँ के ज़्यादातर लोकल लोगों को तैयार किया था, राष्ट्रवादी लोगों को। सहाय जी के यहाँ अपने बच्चे तो काफ़ी तैयार हुए ही। चंद्रशेखर आज़ाद भी बाद में महीनों उनके घर रहे थे, जब वो काकोरी षड्यंत्र के दो जो वायदा माफ गवाह थे उनके मर्डर के लिए गए थे। तो हरबंस सहाय ने अपने 7-8 शिष्यों को गांधी के सामने प्रस्तुत किया था उस समय और उनको लेके ये शपथ दिलाई थी कि वो समाज का ही काम करेंगे, बाकी काम नहीं करेंगे। और इन सब में प्रजापति में से सबसे ऊपर थे जगनारायण प्रसाद थे, ये सब लोग उनके शिष्य थे जो बाद में गांधी का काम करते रहे। 1922 में, जिस साल 5 साल के बाद, चंपारण सत्याग्रह के 5 साल बाद, 22 में जब चुनाव हुआ बेतिया म्यूनसिपैलिटी का, तो उस चुनाव में रदरफोर्ड जो तब उसके एडमिनिस्ट्रेटर थे बेतिया राज के, जो शासन की तरफ से जिनकी नियुक्ति हुई थी और ये कलेक्टर जैसा पद होता था, वो खुद उम्मीदवार बने और उनके सामने सब रजिस्ट्रार को वाइस चेयरमैन का उम्मीदवार बनाया गया। और कांग्रेस ने विपिन बिहारी वर्मा, जो चंपारण के पहले ग्रेजुएट थे, पहले एमपी भी हुए, उनको और प्रजापति मिश्र को अपना उम्मीदवार बनाया। ये दोनों लोग लड़े और राज की सारी ताकत लगने के बावजूद ये दोनों बड़े आराम से जीत गए। इनके आराम से जीतने का नतीजा ये हुआ कि बाद के सारे आंदोलनों में सब में बेतिया की भागीदारी काफ़ी अच्छी हुई। असहयोग आंदोलन के लिए जब मीटिंग के लिए जगनारायण प्रसाद और प्रजापति मिश्र उसी मीना बाज़ार में घोषणा करते घूम रहे थे कि आज आम सभा होनी है, आप लोग आइए, तो किसी ने जगनारायण प्रसाद को एक चाटा मार दिया, राज के किसी कर्मचारी ने। बात वहाँ बिगड़ रही थी लेकिन प्रजापति मिश्र ने किसी तरह संभाल लिया, तो उस समय तो झगड़ा रुक गया। लेकिन शाम को जब प्रजापति मिश्र वहाँ से अपने गाँव जाने लगे टांगे पर बैठ के, तो उनको राज के लठैतों ने इस बुरी तरह मारा कि उनकी लगभग, उन्होंने अपने हिसाब से उनको ख़त्म कर दिया था, उनको मार के गिरा दिया था और उसके बाद वो अपना चले गए। उनको लगा कि अब ये आदमी बचेगा नहीं, संयोग से वो बच गए, उनकी सांस चल रही थी, उनको अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद वो बच गए।
इसके प्रतिरोध में कांग्रेसियों ने वहाँ मीना बाज़ार बंद कराओ का अभियान चलाया, और मीना बाज़ार बंद कराओ मुहिम के तहत ये हुआ कि खाली जगह में बेतिया के शहर के पश्चिमी हिस्से में एक खाली जगह में नया बाज़ार या गांधी बाज़ार नाम से एक बाज़ार उन्होंने लगाया, और उस बाज़ार में मीना बाज़ार की सारी चीज़ें ज्वेलरी से लेके और बाकी सारी चीज़ों तक सब चीज़ का बाज़ार वैसे ही खुले में लगने लगा। शेड वगैरह कुछ भी नहीं बना था, खुले में बाज़ार लगने लगा। और जब ज्वेलरी वगैरह आ गई तब रखवाली करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ज्वेलरी बगैर रखवाली के काम नहीं हो सकता था। तो कांग्रेस के वॉलंटियरों ने वहाँ बाज़ाब्ता रखवाली की और पैरेलल बाज़ार लगा दिया। मीना बाज़ार बैठ गया, मीना बाज़ार में कोई आता जाता नहीं था उस समय, और ये नया बाज़ार चलना शुरू हो गया। एक ज़माने तक जब ये बाज़ार पूरा जम गया तो फिर मीना बाज़ार की तरफ से, राज की तरफ से, शासन की तरफ से पंचायत हुई, उसके बाद जाके वो बहिष्कार ख़त्म हुआ। फिर धीरे धीरे मीना बाज़ार भी चलने लगा, नया बाज़ार भी चलता रहा। आज भी नया बाज़ार है, वापस फिर मीना बाज़ार अपनी पुरानी चमक में आ गया। हालांकि आजकल उसकी हालत काफ़ी ख़राब है, लेकिन सेंट्रल बाज़ार उस शहर के लिए अभी भी मीना बाज़ार ही है। नया बाज़ार उस हिसाब से पिछड़ा, जो आंदोलन के भी पिछड़ने का प्रतीक है कि आंदोलन अगर कमज़ोर पड़ेगा तो इस किस्म की मुहिम भी कमज़ोर होती है। लेकिन आंदोलन की ताकत क्या होती है, बेतिया राज और ब्रिटिश हुकूमत के पैरेलल उस मीना बाज़ार को उन्होंने बंद करा दिया, जिससे 50,000 रुपये महीने की कमाई उस ज़माने में होती थी, राज की आमदनी इतनी ही थी, उसको कांग्रेसी आंदोलनकर्ताओं ने, ऐसे छोटे आंदोलनकर्ताओं ने जिनकी तब कोई हैसियत नहीं बनी थी, उन्होंने सिर्फ राज के लोगों को चुनाव में हराया ही नहीं, राज के इस बड़े बाज़ार को भी चौपट करा दिया और पैरेलल गांधी के नाम से एक नया बाज़ार शुरू कराया। तो आंदोलन अगर हो तो इस किस्म की चीज़ें हो पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये एक छोटी जगह के इस छोटे से प्रयोग ने दिखाया। जाहिर है मुल्क में इस किस्म के बड़े प्रयोग हुए हैं, और ऐसे प्रयोगों में विद्यापीठ बनाना सारी यूनिवर्सिटी छोड़ के, फिर वहाँ पढ़ाई लिखाई से लेके हर तरह का इंतजाम करना, और इस किस्म के काफ़ी प्रयोग हुए हैं। मीना बाज़ार का प्रयोग भी एक वैसा ही प्रयोग था, और इसकी चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत छोटी जगह पर बहुत कम संख्या में और छोटे लोगों द्वारा किया गया ये प्रयोग आश्चर्यजनक ढंग से सफल हुआ और राज को सरेंडर करना पड़ा। हुआ आज की कहानी इतनी, अगली बार हम फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।